मार्केट में आपको जैसे अकबर जी ने बताया था लॉट ऑफ सॉन्ग्स आउट देयर राइट अभी द वे आई वांट टू सी इट जो इंडस्ट्री है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म दो जिससे नया टैलेंट उभर के आए तो उसके साथ हम लोगों ने पहले क्या किया हम लोगों ने नॉर्थ में गए हम लुधियाना में एंड वहाँ पे हमने प्रॉपर ऑडिशन किया एंड वी लॉन्च्ड अ न्यू आर्टिस्ट मैंडी बिलगा ऑफ कोर्स ही इज नॉट हियर विद अस टुडे ही इज इन लुधियाना ही हैड अनदर कमिटमेंट बट दैट सेड अभी द आइडिया वाज ऑफ कोर्स वी हैव एन आर्टिस्ट उसका गाना उन्होंने रिलीज किया उसको पूरा प्रेजेंट किया है सो सर्टनली यू नो पीपल हैव लाइक्ड हिम From what I can see. Ab the idea was, okay, gana to banaya hai, abhi what else can we do with the song? So the idea was, why not even look at the budding DJs? Kyunki ye nahi ki, yaar, if there's a big name and then, you know, people are going, but what about the other DJs? Unko bhi to platform dena hai. So humne jab ye dekha ki, aage se, Zoeb ji ne jaise bataya, and even as Cole mentioned, kafi humare paas, log comment mein kar rahe the ki, yaar, you know, iska achha, apna 10 seconds ki bite dekhe jo bhi hai, you know. And abhi kya karte hain, log song lete hain aur khud hi, you know, apne hisab se mixing karte hain. तो हमने बोला कि लेट्स जस्ट ओपन अ डीजे कॉन्टेस्ट और हम सबको ओपन फाइल्स देंगे जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको फुल फ्रीडम दो हमें कुछ नहीं है उनका बैकग्राउंड देयर इज नो फी टू इट वी हैव नॉट चार्ज एनी एंट्री फी टू एनी अदर कंटेस्टेंट्स इट इज जस्ट समथिंग प्योरली टू प्रमोट टैलेंट एंड देन द आइडियाज ऐसे नहीं यार कि यू नो मुझे यार एक सॉन्ग से करना पड़ रहा है मेरे पास ओपन ट्रैक से मेरे पास फुल फ्रीडम है एंड मुझे पता है कि मेरा सॉन्ग जो है अभी वो जी म्यूजिक पे जाएगा तो एक अलग से एक मोटिवेशन भी होती है एंड ऑफकोर्स हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि यार इट्स गुड कि और एक नया टैलेंट जो है वो मार्केट में आए सो दिस इज रियली द होल बैकग्राउंड ऑफ एवरीथिंग एंड ऑफकोर्स आई एम वेरी हैप्पी यू नो एंड यू लाइक हु विल बी मोर एप्ट देन यू नो देन डीजे अकबर सामी टू रियली बी द वन टू जज इट And it's really been an honor for us that he was able to join us for the event. Okay, Punjabi song का आजकल जैसे trend सा हो गया है, लोग काफी पसंद करने लग गए हैं Punjabi song को, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? You know, Punjabi song ने काफी overpower कर लिया है अगर हम बात करें दूसरे songs की या दूसरे languages के songs. मेरे ख्याल से Bollywood के बाद जो एक the second language की जो music थी, वो Punjabi थी. और not just here, all over the world. लाइक अगर लंदन में आप जाएंगे और आप वहाँ पर अगर आपको कोई इवेंट में जाना है जो बॉलीवुड से कनेक्टेड है द भांगड़ा पार्टीज द पंजाबी म्यूजिक यूएस में हर जगह कनाडा में तो पंजाबी इज बीन ऑलवेज देयर इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक दे हैव सम काइंड ऑफ अ गॉड गिवन कनेक्टिविटी विद म्यूजिक एंड दे गो आउट ऑफ द वे दे आर वेरी वाइल्ड दे आर वेरी एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक का जो उनका कनेक्शन है और अब लास्ट आई थिंक तीन चार साल से इंडिया में ये जो शुरू हुआ है जो इसका एक जोर है और बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है तो मैं भी जब भी इवेंट्स में पार्टीज में म्यूज़िक प्ले करता हूँ तो विदाउट प्लेइंग दोज 15 20 30 पंजाबी सॉन्ग द पार्टी इज नॉट कम्प्लीट And the Punjabi remixes, of course, you know, yeah. Not just another remix, yes, you know, yes, people want yes. more remix essentially, yeah. And of course, the remix has to be good. Now I have 5 more remixes in this song, so I'm going to play it. Okay, thank you. I have to select which one will remix that I will play in my set. That'll be your honor. Thank you so much. I would just like to say, you know, really thankful that Mr. Sami, a legend like him, agreed that we will do this remix contest. Judge, it's really nice of him. He is like one of the legends. All our contestants look forward to, you know, the results. So wait karein ki jaane ki kya, you know, Mr. Sami ne decide kiya. We're really thankful. Thank you. Thank so I think with further ado, we're going to announce the winner. That's okay. Yeah, yeah, of course. Yeah, yeah, of yeah. course. So, Zoeb, we have everyone, na, here. Yeah? Yeah. I know it's a tough call. It's very difficult. बहुत मुश्किल है ये जो यहाँ पर जो मैंने सुने remixes. लेकिन मैंने यहाँ पर दो नाम जो है वो select किए हैं. तो इसमें से एक ही करना पड़ेगा जरूरी. हाँ जी. Yes, please. Always one winner. बहुत difficult है. That place is special, yeah. हाँ. तो I think the first prize goes to DJ Neon from Pune. Great. That's good. कहाँ है वो है? Actually, he's not around with us, but we have Vipul. अच्छा, तो Vipul को Can we send Vipul? We'll have Vipul come in, please. Vipul. Yes. आइए Vipul, come from here, please. यहाँ side side. आइए आइए. यार तूने कमाल किया है. Thank you, sir. You know, really, you've done a very, very good job.
एंड देखो यहाँ पे देखो ये नियॉन और विपुल दिख रहा है दो नाम ये मैंने दो नाम सेलेक्ट किए हैं फॉर द नंबर वन पोजीशन बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गिव ओनली वन तो नियॉन को जा रहा है सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू आर यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब Let's have a round of applause for Vipul. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चीज को इम्पोर्टेंस अपने हिसाब से अपने तरीके से जितना देने की कोशिश कर रहे हैं आपने दिया है मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ थैंक यू वेरी मच और आप ऐसे ही इसे इधर थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए बिकॉज ये जो जॉनर है हमारा जो डीजेइंग का जो कल्चर है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए बिकॉज डीजे जो है हमारे गानों को बॉलीवुड के गानों को नॉन बॉलीवुड गानों को सारी दुनिया में प्रमोट करते हैं सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान में तो हमको एफएम में सुनना मिल जाता है रेडियोज़ है चैनल्स है टेलीविज़न है सब कुछ है लेकिन वहाँ पर बाहर देश में ये सारी चीज़ें इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती है ना उनके पास इतना वक्त होता है कि वो बैठ के सारा दिन टेलीविज़न देखा करें या गाना यू नो सुनने का उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता तो ये डीजेज होते हैं जो गली गली दुनिया में सारे जगहों पर सारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बाहर जाकर अपने म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसे इतना इम्पोर्टेंस दिया है एंड थैंक यू वेरी मच धीरज जी एंड कोमल जी फॉर डूइंग दिस थैंक यू सर थैंक यू पावा